सचपुर में रेत खनन को लेकर ग्रामीणों का विरोध। रॉयल्टी के नाम पर दिया जा रहा टोकन। विधानसभा क्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाले ग्राम गजपुर के ग्रामीणों ने आज रेत घाट पर होने वाले रेत खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला पंचायत सदस्य अरुणा गजबीय एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय मेश्राम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेत खनन पर आपत्ति जताई। ग्रामीण ने बताया कि सरकार ने गजपुर रेत घाट स्वीकृत किया है, लेकिन ठेकेदार बिना सीमांकन के ही रेत खनन कर रहा है। वह रॉयल्टी के नाम पर टोकन दी जा रही है। तहसीलदार को इस पूरे मामले की शिकायत करने के बावजूद वह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और ठेकेदार के बीच जो अनुबंध हुआ है उसमें स्पष्ट है कि ठेकेदार रेत घाट की भूमि का सीमांकन करे, उसके बाद ही रेत खनन करे, लेकिन गजपुर रेत घाट में बिना सीमांकन के ही रेत खनन हो रहा है। ठेकेदार मनमर्जी से अपना काम कर रहा है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। कटंगी से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए कन्हैया शर्मा की रिपोर्ट। का नाम श्रीमती अरुणा गजबी है, स्वास्थ्य महिला बाल विकास सभापति जिला पंचायत बालाघाट। क्या शिकायत है मैम आपको? शिकायत यही है, देखिए अभी तक जो हो रहा था तो चाहे वो किसी भी तरह से रेत जा रही थी इधर उधर, तो प्रशासनिक काम के लिए जा रही थी। हमने भले यही कहा कि हम कई बार बैठकों में पूछा गया, तो हमने प्रशासनिक तौर से अपने प्रशासनिक अधिकारी को कहा गया कि अगर जो रेत हमारे प्रशासनिक काम के लिए जा रही है उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गलत तरीके से जो जा रही है ये जो गलत है, ये SDM साहब के सामने, तहसीलदार साहब के सामने और इसके पहले हमारे सांसद जी आए थे जिन्होंने समीक्षा बैठक लिए थे, कलेक्टर साहब, हमारे मंत्री, ये सब सामने हमने बातें रखी थी। परंतु अभी जो ठेके हुए हैं रेतों के जो ठेके हुए हैं उसमें देखा जाता है, जैसे पहले हमने आजकल तकनीकी का जमाना है, नेट में देखा गया तो गजपुर घाट स्वीकृत नहीं दिखा। खैर कोई बात नहीं है, पूरे जिले का अगर इन लोगों ने ठेका भी ले लिए होंगे तो ऐसे निश्चित जगह बताइए हमें कि किस घाट से रेत जाना चाहिए, बिना नाप तौल से, बिना इससे इतनी एक दिन में कितने जाती है ट्रैक्टर, 240 आप बताइए। एक तो इस गांव की धरोहर है। सबसे पहले तो मैं उन ठेकेदारों को भी कहना चाह रही हूँ जिनने ठेके लिए है, इस गांव की धरोहर है, बहुत बड़ी धरोहर है, कम से कम उस गांव के ट्रैक्टर वालों के लिए भी उन्होंने जो है कोई एक निश्चित राशि का तय नहीं किया है, और एक रॉयल्टी के माध्यम से ₹1500 चाहे वो गांव वाला भी क्यों ना हो। ये इस प्रकार से यहाँ पे गलत तरीके से खनन हो रहा है। इसकी शिकायत अभी थोड़ी देर पहले जो है तहसीलदार साहब से भी बात की है, और ये जो हो भी रहा है बहुत गलत तरीके से हो रहा है, और मैं इस मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ कि इसका तत्काल इसका नप तोल करके उनको सही रास्ता दिखाए। क्या नाम है आपका? अजय मेश्राम। क्या शिकायत है आपकी? ये शिकायत यह है हमारी कि यहाँ जहाँ रेत खदान जो घोषित हुई है, पहले ये लोग ठेकेदार लोग अपना सीमांकन करा ले, और जहाँ सीमांकन है उनका वहीं से रेत उठाए, वो तो पूरी नदी खोद रहे हैं और रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हैं, एक टोकन दे रहे हैं, वो भी टोकन में लिखा जा रहा है कि ये यानी डंप में जाने का प्रवेश टोकन है, और मनमानी करके अपनी मनचाही चला रहे हैं। आपने इसकी शिकायत ऊपर करी? इसकी शिकायत मैंने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंप के किया हूँ। कब ज्ञापन सौंपे आपने? 7-8 दिन हो गए, और आज मैं कलेक्टर से मिलने जा रहा हूँ इस संबंध में। तहसीलदार ने कुछ एक्शन लिया? कल तहसीलदार ने एक्शन लिया तो उन्हीं के समर्थन में लिया, किसी सरपंच की 5 ट्राली रेत कार्याधीन में निर्माण कार्य में लगी थी उसको जब्ती बनवाया उनने। तो आपका नाम भी है? यादव राव, कोटवार हूँ सर मैं, इस गांव का। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये है सर, गांव वालों ने मेरे को बोले रात में कि मुनादी कर दो, जब तक यहाँ निराकरण नहीं होगा, जहाँ से रेत का घाट का नीलाम है उसका सीमांकन किया जाए और गांव वालों के लिए रेत फ्री रहेगी इसकी मुनादी कर दो, इसलिए मैंने रात में मुनादी किया। फिर मेरे को अभी सब लोग यहाँ जमा हुए, उनने बोले सरपंच को बुला के ला, मैं सरपंच को बुलाने गया, सरपंच नहीं पहुंचा, बस इतना ही। क्या बोलते हैं सरपंच महोदय? उनने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला मीटिंग रखे तो आपको मीटिंग में बुला रहे, तो उनने कुछ भी नहीं बोला। तो इस रेत घाट से रॉयल्टी के साथ रेत जा रही है बिना रॉयल्टी के? अब साहब वो रॉयल्टी तो टोकन है, रॉयल्टी तो है नहीं, इशू नहीं कर रहे। तो टोकन कौन काट रहा है? टोकन काटने वाले हैं साहब बैठे हुए हमारे गांव में, लेकिन वो भी अभी फरार है, वो भी अभी इस वक्त मौके पे नहीं। तो वो ठेकेदार के आदमी है कि शासन के आदमी है? ठेकेदार के आदमी।